मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे कम उम्र के कार्तिक जोशी जो कि हमारे साथ में मौजूद है, और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा दौड़ में पार्टिसिपेट करने वाले ये एक ऐसे इंदौर के शख्स हैं जिन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके जो जूते हैं, जो कहते हैं कि जब तक के जूते पैरों में फटे होते हैं जब तक अपने कामयाबी के लिए डटे रहते हैं। और ये हमारे साथ कार्तिक जोशी जी हैं जो बताएंगे कि इन जूतों के पीछे की कहानी क्या है। बताइए कार्तिक जी, आपने जो जूते संभाल के रखे हैं क्या कहा है? क्योंकि मेहनत की निशानी ही है, क्योंकि शुरुआत ही जिनसे हुई है उनको कैसे अपने से जुदा कर दें। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तब मेरे पास जो मेरा पहला शूज था वो 267 रुपए का था, और आज मैं जिन जूतों से रनिंग करता हूँ वो कुछ 22 से 23 हज़ार रुपये का एक जूता आता है। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तब नॉर्मली कुछ नहीं पता था उसमें, तब यही चीज़ पता थी कि रनिंग करने के लिए जूते, टी शर्ट और चड्डी की आवश्यकता होती है। बट आज पता चल रहा है कि रनिंग करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कितने सोर्स की ज़रूरत होती है। आज पता चलता है कि एक मतलब जब जैसे जैसे मैं रनिंग में आगे बढ़ता रहा, जैसे जैसे रनिंग के बारे में सारी चीज़ें पता चलती रही, तब पता चलने लगा कि एक जूते की कैपेसिटी कितनी होती है, एक जूते में कितना रन किया जा सकता है, कब कहाँ और कैसे रन करना है, उसमें भी सारी चीज़ें थी। सो आज जो जूते मैं यूज़ इस्तेमाल करता हूँ उन जूतों की कैपेसिटी 800 किलोमीटर लगभग होती है एक महीने में, और मैं एक महीने में 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रन करता हूँ, लगभग रोज 33-35 किलोमीटर। तो अब तक के कितने जूते आप यूज कर चुके हो, कितने किलोमीटर दौड़ चुके हैं? लगभग मेरे पास अभी घर में 30 से ज़्यादा जोड़ी जूते अवेलेबल होंगे, और इस्तेमाल लगभग मैं 40 से 45 जोड़ी जूतों को कर चुका हूँ। अच्छा, इनको सहेजने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि यही तो मेरी पूरी मतलब सफलता का कारण भी है, और मेरी मेहनत करने के पीछे की हर इच्छा मुझे इसमें दिखती है। तो इसको मैं खुद से कैसे जुदा कर दूँ, इसमें हर चीज़ वही यहाँ पे है जो मैंने किया, शुरुआत भी यही है और अभी तक की सारी पूंजी यहाँ पे ही दिखती है। अच्छा, ये जो दौड़ आपने चालू करी है तो ये कितनी उम्र से चालू की है और क्या कारण था इसमें, मतलब कैसे प्रेरणा मिली दौड़ने के लिए? मैंने 14.5 साल की एज से अपनी दौड़ शुरू की थी। अब ऐसा है, रामबली नगर स्क्वायर पे हमारी एक शॉप थी चाय की, जहाँ पे से रेगुलर में जब भी स्कूल जाता था तब मैं देखता था पास में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो पुलिस के जवान कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे से दौड़ते हैं। कोई एक दौड़ रहा होता है तो उसको देख के कोई ज़्यादा इंस्पायर नहीं हो सकता, बट वहाँ तादाद में लोग धावक दौड़ रहे होते थे, मतलब 15, 20, 50, तो उन सभी को एक साथ देख के कोई भी इंस्पायर हो सकता है कि इतना अच्छे से दौड़ रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि खुद के शरीर के लिए करना हर किसी को एक बार दिमाग में आता ही है। तो अब तक के क्या क्या रिकॉर्ड आपने अपने नाम किए हैं, कहाँ कहाँ दौड़ने हैं आप? मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है इंडियाज बैकयार्ड अल्ट्रा। इंडिया में अभी तक 5 बैकयार्ड हुए हैं, 5ों बैकयार्ड मैंने जीते हैं। बैकयार्ड एक ऐसा फॉर्मेट है, सारी रेस में क्या होता है जो फर्स्ट आता है वो जीतता है, बट इस फॉर्मेट में ऐसा है जो आखिरी तक दौड़ेगा वो जीतेगा, कोई डेफिनेट फिनिश लाइन नहीं होती है। हर बार किसी का एक सीमा होती है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, या 1 घंटे दौड़ना है, 2 घंटे दौड़ना है, या आप जैसे हमारे इवेंट में देख लो तो 100 किलोमीटर दौड़ना है, 200 किलोमीटर दौड़ना है, 1 दिन या 2 दिन दौड़ के खत्म करना है, बट यहाँ कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप मानसिक संतुलन नहीं बना सकते मुझे कब तक दौड़ना है। तो इंडियाज बैकयार्ड अल्ट्रा मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उसमें मैंने 41 घंटे में 2021 में 274 किलोमीटर रन किया। जब 2020 में हुई थी तो मैंने 39 घंटों में 262 किलोमीटर रन किया था, उसके पहले मैंने 250 किलोमीटर हैंडोर बैम्बू अल्ट्रा में रन किया, और 12 घंटे के मैंने 6 स्टेडियम रन रन किए हैं, जिसमें मेरा पर्सनल बेस्ट है 119 किलोमीटर। एक 400 मीटर के स्टेडियम के आपको कंटिन्यूसली राउंड लगाना होते हैं 12 घंटे तक, जो सबसे ज़्यादा राउंड लगाते हैं वो जीतते हैं। अच्छा, इंडिया में या मध्य प्रदेश में कौन आपका प्रतिद्वंदी है जैसा कुछ आप? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत कम रनर्स थे, उनकी एज भी मुझसे बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर ही दौड़ा था किसी ने भी, और मैंने अपनी 16 साल या 15 साल की एज में ही 220 किलोमीटर रन किया था। अच्छा, परिवार का क्या सपोर्ट मिलता है, परिवार किस उस बिलोंग करते, क्या करते हैं? हाँ, मतलब हम मतलब एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जो कि एक शूज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपना हर पॉसिबल एफर्ट लगाते हैं कि मेरी हेल्प कर पाए, जस्ट लाइक कि वो हर मोरल और मेंटली ही प्रिपेयर कर सकते हैं मुझे। फाइनेंशियली तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस परिवार की इनकम 15 या 20 हज़ार रुपये हो, वो 15 या 20 हज़ार का जूता खरीद के कैसे अवेलेबल करा सकता है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी है, पापा है, एक भाई और एक बहन है, और एक मैं हूँ। अच्छा, 5 लोगों का परिवार है। क्या गुजर बसर करने का क्या है वे उसका? हाँ, अभी ड्यू टू पहले लॉकडाउन के पहले हमारी एक चाय की शॉप थी, जहाँ पे वो चलाते भी थे, 10x10 की शॉप थी, और हम वहीं रहते भी थे। आफ्टर दैट मतलब ड्यू टू कोविड वो सब बंद हो गई, उसके बाद पापा रीसेलिंग का काम करने लगे,
भाई एक जगह जॉब करने लगा और मैं अपना रन करते रहते साथ में कहीं छोटा मोटा काम कर रहा था। अच्छा, जहाँ आप आज हैं और आप ऐसे सरकार से क्या फैसिलिटी चाहते हैं, क्या सुविधाएं चाहते हैं या नहीं मिल रही है आपको, कुछ कसर कर दिन में? जैसे कि मैं जो मेरा सोचना होता है कि जैसे जब कोई भी ओलंपिक या किसी भी गेम के लिए क्वालिफाई करता है तब उसको फाइनेंशियली या फंडिंग्स प्रोवाइड की जा सकती है की जाती है कि वो तब प्रिपेयर करें। अगर ये ही फंडिंग्स लोगों को या एथलीट्स को पहले दी जाए या किसी भी अच्छे आप लोगों को टैलेंटेड लगाओ अच्छा सा जिसमें आप पता करो पाओ कि कौन कौन सी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करा है और तब उसे हेल्प की जाए तो वो आई थिंक ओलंपिक में मेडल लेके आए ना कि वो प्रतिबंधी करके आए या अपने प्रतिस्पर्धी करके आए। सो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ फैसिलिटी मिले कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर पाऊँ अच्छे से न्यूट्रिशन फुलफिल कर पाऊँ और अपनी सारे नेक्स्ट लेवल मतलब जो एक एडिशनल परफॉर्मेंस होती है ना वो मैं परफॉर्म कर पाऊँ। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर के कार्तिक जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसी फैसिलिटी या सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिनसे वर्ल्ड लेवल पर जाके वो देश का नाम रोशन कर सकें। इंदौर से फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।